भारतीय परंपरा में शादी हर व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन आजकल शादी में बेपनाह खर्च होता है। शादी का खर्च उठाने में कई परिवार अपनी संपत्ति बेचने को मजबूर हो जाते हैं। दहेज लेना और देना भले ही अपराध हो, लेकिन समाज में इसकी क्या स्थिति है, इससे आप सब परिचित ही हैं। लेकिन अब महंगी शादियों से आप बच सकते हैं। सरकारी कार्यालय में महज 10.5 रुपए में दूल्हे और दुल्हन की शादी करवाई जा सकती है। शादी में लाखों का टेंट, गाजे बाजे, होटल बुकिंग और खान पान के खर्च तो आम बात हो गई है। ऐसा प्रचलन कमोबेश सभी धर्म में साफ तौर पर देखा जा सकता है। दहेज का बढ़ता प्रचलन भी जग जाहिर है। ऐसे में खर्चीली होती शादी से वर वधु दोनों पक्ष परेशान होते हैं। अब समाज के बुजुर्ग लोग भी महंगी शादियों से बचने की सलाह दे रहे हैं। आज के इस परिवेश में सामाजिक रीति रिवाज, जैसे मेन चीज है विवाह, विवाह में अनाप शनाप खर्च होता है, जैसे कि टेंट लगता है, टेंट के साथ साथ खाना पीना, तिलक, दहेज, दान दिया जाता है, जो एक लड़की के बाप के लिए बहुत ही कष्टदायक है। वो अपना जमीन बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर के वो एक पैसा एकत्र करता है और रात भर में वो सारा चीज़ निकल जाता है। अब रहा चीज़ कि हम लोगों में भी वो चेतना जगना चाहिए कि हम बेटा का करें या बेटी को करें, दोनों का एक समान भाव से हम उस पर नज़र रखें, खर्च करें। अभी का जो शादी को लेकर जो है मध्यम वर्गीय परिवार में खास करके जो है उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और दहेज प्रथा जो है इसको लेकर तो न्यायालय भी जो है इस पर सख्त है। उसका भी साफ कहना है कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है, तो लेकिन इस पर लोग अमल नहीं करते हैं, इस पर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं ढोल, नगाड़ा, लाइट बत्ती, पटाखा और बारातियों के सेवा सत्कार से मुक्त रजिस्टर्ड शादी महज 10.5 रुपए में मुकम्मल हो रही है। इस शादी के लिए ना तो पंडित, ना ही काजी और ना ही पादरी की जरूरत है। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी होती है। शादी के बाद सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। हमारे कार्यालय में विशेष विवाह अधिनियम के तहत मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, और इसमें दो तरह का रजिस्ट्रेशन होता है। एक वो जो शादीशुदा होते हैं वो अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें फॉर्म 15 लगेगा, उसमें आवेदन के समय 2.5 रुपये का फ़ी, और जो फाइनल उसका हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं उस समय 8 रुपये का फ़ी लगता है। और एक जो दूसरा है जिसमें जो अविवाहित जोड़ा होता है हमारे यहाँ आवेदन दे के उसको अपने विवाह का यहाँ पर सोलमनाइज करा सकता है, उसमें भी आवेदन के समय 2.5 रुपये फ़ी और फाइनल के समय 8 रुपये का फी लगता है। जी, 10.5 रुपये में फाइनल शादी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इससे ये है कि एक गरीब से गरीब परिवार को भी इसका लाभ मिले, और इतना न्यूनतम फी में, और बहुत सारी योजनाओं में मैरिज सर्टिफिकेट का जरूरत होता है, बच्चों के एडमिशन में भी कुछ विद्यालय मांगने लगे हैं, इस नाते ये बहुत ही लाभकारी है और प्रत्येक परिवार को अपने शादी का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराना चाहिए। आधुनिकता के इस दौर में खर्चीली शादियों से लोगों को बचना चाहिए और सरकारी कार्यालय में महज 10.5 रुपए में रजिस्टर्ड शादी करवानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हजारीबाग से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट।